14 साल पुराने लैंड फोर्ड जॉब घोटाले को लेकर राजद सुप्रीमो की मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही हैं। कुछ दिनों पहले पटना में राबड़ी देवी से पूछताछ हुई, फिर लालू यादव से भी पूछताछ हुई और अब ईडी की गाड़ी का रुख लालू यादव की बेटियों की ओर मुड़ गया है। जी हां, लैंड फोर्ड जॉब घोटाले के मामले में ईडी ने लालू यादव के परिवार के खिलाफ बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय एजेंसी ने लालू यादव की बेटियों हेमा यादव, रागिनी यादव और चंदा यादव के घर समेत देश भर में कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। वहीं इसके अलावा ईडी की टीम ने लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता और आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के ठिकाने पर भी छापेमारी कर रही है। वहीं झारखंड के रांची में भी लालू के करीबी के घर ईडी ने दबिश दी है। ईडी की टीम आज सुबह से ही कडरू इलाके में लालू यादव के करीबी अबू दोजाना के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है, जिसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। बताया जा रहा है कि पटना के सगुना मोड़ में बन रहे बिहार के सबसे बड़े मॉल का काम अबू दोजाना ही देख रहे थे। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि यह मॉल लालू परिवार का है, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इधर ईडी की कार्रवाई के साथ फिलहाल मॉल के कंस्ट्रक्शन पर भी रोक लगा दी गई है। ईडी के इस छापे के बारे में बताया जा रहा है कि मामला आय से अधिक संपत्ति का है, जिसको लेकर ईडी ने मंगल टावर स्थित अबू दोजाना के सीए अजय कुमार नायक के कार्यालय पर भी छापेमारी की है। सुबह से सीए से पूछताछ की जा रही है, साथ ही कागजातों की भी गहनता से जांच की जा रही है। सीए का लैंड फोर्ड जॉब मामले से लिंक जुड़े होने का कारण छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा ईडी दिल्ली, मुंबई और बिहार में कुल 15 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि अबू दोजाना के ठिकानों पर यह कोई पहली छापेमारी नहीं है। 2018 में भी पूर्व विधायक अबू दोजाना पर आयकर विभाग ने शिकंजा कसा था। उस वक्त अबू दोजाना की कंस्ट्रक्शन कंपनी मेसर्स मेरिडियन कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ही लालू प्रसाद यादव के कथित मालिकाना हक वाले मॉल को बनवा रही थी, लेकिन इसकी शिकायत मिलने के बाद ईडी ने मॉल का काम रुकवा दिया था। तब से मॉल का काम बंद पड़ा है। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो पर आरोप है कि लालू यादव ने अपने रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान जमीन के बदले लोगों को नौकरी दी थी। 14 साल पुराने इसी मामले को लेकर ईडी ने आज लालू की 3 बेटियों के यहाँ छापेमारी की। वहीं दूसरी ओर लैंड फोर जॉब स्कैम इस मामले में ईडी ने रांची में भी लालू प्रसाद यादव के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। देखिए, सीबीआई हो, ईडी हो, अब ये संस्थाएं हैं, इनके चरित्र को इतना धूमिल कर दिया है ना भाजपा ने। अब कोई कहता है कि फलाने के सर्च ऑपरेशन वहां हो रहा है तो कतई भरोसा नहीं होता। वो उनका है ही नहीं भाई, वो तो मजबूर है, वो किसी के स्क्रिप्ट लेकर के जा रहे हैं। आज लालू जी की बेटियों पर, स्वयं तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम के घर पर जाकर के सर्च कर क्या हासिल करने के लिए, एक बंद केस को खोल करके। आपकी टीस है कि अगस्त के महीने में 2022 में जो सरकार गई ना, तो वो टीस आपने इन संस्थाओं के मध्य रख दिया। इन संस्थाओं में कोई व्यक्ति है किसी एजेंसी में, उनको सेवा विस्तार चाहिए, उन्होंने आपसे वादा कर लिया अरे हम इस सरकार को हिला करके रख देंगे। साहब, हिलने वाले नहीं। लालू जी इतनी परेशानियों के बावजूद आपके सामने अडिग खड़े रहे। आप बाज आइए, आपने किसी भी पक्ष के दल और नेता को नहीं छोड़ा, बाज आइए, क्योंकि कल जब आप सत्ता में नहीं होंगे आपके साथ इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। क्या यह उचित होगा? एक बार राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ना शुरू करिए। ईडी सीबीआई बहुत हो गया, अब लोग हंसते हैं आप पर, मखौल उड़ाते हैं इन संस्थाओं का। कम से कम इन संस्थाओं की चिंता करिए और इनको स्क्रिप्ट देना बंद कर दीजिए।